यह इलामा इकबाल ने बोला था ना कि मगरिब के हैं मजे मीठे, इनकी अद्वियात में सुकून, ना तेरी दवा तुझे जनीवा में मिलेगी, ना तेरी दवा तुझे लंदन में मिलेगी, क्योंकि फरंग की रगे जा है पंजा यहूद में, ई बनू की फितरत है चला के यहूद, तुम इनकी फितरत और चलाकी से नहीं बच सकते। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनका चैनल 2.9 मिलियन व्यूअर्स थे, यहूदी मोनोपोली ने बंद कर दिया। क्यों? खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह अन्हु से सहाबा ने पूछा कि ओ अमीरुल मोमिनीन, या सॉरी अमीरुल मोमिनीन नहीं, कि उनसे सवाल किया गया कि खालिद ने वलीद से कि आप ये बताएं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी जमात जो है वो हक पर है, कौन सी गलत है। उन्होंने कहा जहां कुफार के तीर रुख कर जाए तो समझो वही जमात हक पे है। मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूं कि खालिद इब्ने वलीद का कौल था कि अली रजी अल्लाह अन्हु का, अल्लाह मुझे माफ करे, बहरहाल इन दोनों में से किसी एक का कौल था, और अली रजी अल्लाह बेशक अमीरुल मोमिनीन थे, तो इनमें से किसी एक का कौल था। मेरे ख्याल से हजरत अली रजी अल्लाह का कौल था, बाकी अल्लाह आलम, आप तहकीक कर लीजिएगा। कौल मौजूद है, वो ना मिले तो पकड़ लेना कि जहां कुफार के तीर रुख कर जाए समझो वो जमात हक पे है। आज यहूदी को तकलीफ किससे है? हुई डॉक्टर इसरार अहमद से। क्यों? उन्होंने वो फितरत चला के यहूद को एक्सपोज किया। बैंकिंग सिस्टम, एल्यूमिनाटी, फ्री मिशनरीज, इनका ग्लोबल एजेंडा ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऑर्डर्स सेक्लोरम, नोवस सेक्लोरम, उनको एक्सपोज किया, तो जाहिर है वो तो उनके लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं। मुझे तो मेरे कुछ साथी बोल रहे थे कि इनाम भाई अपनी वीडियोस को भी जरा सिक्योर कर लें क्योंकि आपका भी सारा कंटेंट जो है ना इसी मैटर पे है, उनकी जो कुत्ते की दुम पे पैर खावा आपने भी